दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही बड़ी खबर देने जा रहा हूँ, जो कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आ रही है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि स्टीवन स्मिथ और डेविड वार्नर और कैमरन बैंक्रॉफ्ट तीनों पर बॉल टैम्परिंग का इल्ज़ाम लगा था और तीनों को वापस ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया था। मगर अब न्यूज आ चुकी है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, उन्होंने अपना फैसला ले लिया है और क्या सज़ा सुनाई है स्टीवन स्मिथ और डेविड वार्नर के, उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, एक जियो फ्लेमन स्पोर्ट नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उन्होंने पुष्टि कर दी है कि स्टीवन स्मिथ और डेविड वार्नर पे 1 ईयर का बैन लगा है। दोस्तों, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसमें साफ तौर पे लिखा है कि ब्रेकिंग न्यूज, स्टीव स्मिथ एंड डेविड वार्नर हैव बीन गिवन 12 मंथ बैन बाय क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, सीधी सी बात है कि डेविड वार्नर और स्टीवन स्मिथ को 1 ईयर के लिए बैन कर दिया गया है। अब वो क्रिकेट नहीं खेल सकते, इंटरनेशनल मैच का कोई सा भी। दोस्तों, अब बात करते हैं आईपीएल से जुड़ी हुई कि स्टीवन स्मिथ और डेविड वार्नर का आईपीएल में क्या हुआ है। तो स्मिथ ने फैसला लिया है कि वो आईपीएल को छोड़ देंगे, जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है उसे रद्द कर देंगे। और दोस्तों, डेविड वार्नर की न्यूज़ आपको बताऊं तो डेविड वार्नर का मानना है कि वो आईपीएल तो खेलेंगे मगर वो कैप्टन नहीं रहेंगे, उन्होंने कैप्टन छोड़ दिया है। कैप्टेंसी कौन करेगा सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से, वो अभी तक मुझे नहीं पता। जैसी कोई और अपडेट आती है तो मैं आपको दे दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।